गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको कमांड प्रॉम्प्ट की सीएमडी की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने आसपास के लोगों को, अपने फ्रेंड्स को और अपने बॉस को इम्प्रेस कर पाएंगे। देखिए, कमांड प्रॉम्प्ट जिसे पहले एमएस डोज कहा जाता था, इसमें जो भी काम होता है एक कमांड पे काम होता है। आजकल जो इंटरफेस है जीयूआई इंटरफेस है, तो माउस की क्लिक से भी हम लोग काम कर लेते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी कमांड्स होती हैं जो बहुत यूजफुल कमांड होती हैं। अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन नहीं करना आता है तो मैं बताता हूँ आपको कमांड प्रॉम्प्ट आपको कहाँ मिलेगा। आप स्टार्ट मेन्यू विंडो बटन पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको रन मिलेगा, ठीक है। रन पे क्लिक कर देंगे आप, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे आपको मिल जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट लिखा आ रहा है एडमिन कमांड प्रॉम्प्ट, इससे भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। यस कर दीजिएगा इसे, देखिए कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो गया। एक तो आपका तरीका ये है ओपन करने का, और दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने का तरीका है आपका रन में जाके। रन को ओपन करने के लिए आपके कीबोर्ड में एक विंडो की का बटन होता है, उसको दबा के रखें और आर को एक बार दबाएँ तो रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। रन डायलॉग बॉक्स में आप टाइप करेंगे सी एम डी और ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे आपका ओपन हो जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि देखिए मैंने इसका साइज बड़ा कर रखा है, इस तरह से आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब आपको बताता हूँ इसके जो कमांड्स हैं जो बहुत इम्प्रेस करेंगी। जैसे मान लो कि आपको एम एस वर्ड ओपन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो एम एस वर्ड ओपन करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप कैप्स में करें। स्पेस देंगे, इसके बाद आप लिखेंगे winword.exe और एंटर प्रेस कर देंगे कमांड के बाद में। देखिए आपका एम एस वर्ड ओपन हो गया। इसी तरह अगर आपको एक्सेल को ओपन करना है तो आप स्टार्ट लिखेंगे, स्टार्ट स्पेस देंगे, एक्सेल टाइप करेंगे और डॉट ई एक्स ई और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए आपका एक्सेल ओपन हो गया। अगर आप कोई साइट ओपन करना चाहते हैं तो आप साइट भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट जो भी साइट आप ओपन करना चाहते हैं वो यहाँ पे राइट डाउन करें, जैसे www.google.com लिखा और एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपकी साइट ओपन हो जाएगी। देखिए इंटरनेट जो भी ब्राउजर होगा आपका बाय डिफ़ॉल्ट उसमें आपकी साइट ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आपका गूगल ओपन हो गया, ओके। इसका साइज थोड़ा टेक्स्ट का ज़्यादा है, मैं थोड़ा टेक्स्ट का साइज कम कर देता हूँ। यहाँ पे अपन इसको कर लेते हैं 69, ओके। थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ, वैसे दिखाई तो आपको दे ही रहा है 65, ओके। इस तरह से आप इसका टेक्स्ट का साइज भी छोटा कर सकते हैं यहाँ से। अब आपको जो स्क्रीन आ रही है, आपको अगर इस स्क्रीन को पूरा क्लियर करना है तो इसके लिए आपके एक कमांड होती है इसके अंदर CLS और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पूरी क्लियर हो गई, अभी जो भरी हुई दिखाई दे रही थी आपकी अभी क्लियर हो गई है, ठीक है। इसके अलावा आपको विंडो मीडिया प्लेयर अगर ओपन किया, वर्ड पैड ओपन करना है सेम आप स्टार्ट डालिए और यहाँ पे लिख दीजिए आप राइट और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए आपका वर्ड पैड ओपन हो गया।
इसी तरह आपको विंडो एक्सप्लोरर ओपन करना है तो सेम कमांड यूज करेंगे आप, स्टार्ट लिखेंगे उसके बाद में एक्सप्लोरर लिख देंगे, और एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए आपका माय कंप्यूटर का विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो गया। ओके इसके अलावा आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है, यहाँ पे टास्क MGR लिखेंगे, टास्क MGR और एंटर प्रेस कर देंगे तो आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका टास्क मैनेजर ओपन हो गया। अगर साउंड रिकॉर्डर आपको ऑन करना है तो आप सेम कमांड वापस लगा दीजिएगा, यहाँ इसके आगे लिख दीजिए डॉ साउंड रिकॉर्डर लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपका साउंड रिकॉर्डर ओपन हो गया। स्क्रीन रिजोल्यूशन आपका अगर देखना है यहाँ से आपको, तो आप स्टार्ट लिखेंगे, स्टार्ट के बाद में आप लिखेंगे डेस्क डॉट लगाएंगे, डॉट लगाने के बाद आप CPL स्टार्ट डेस्क डॉट CPL और एंटर प्रेस करेंगे तो आपका डेस्कटॉप रिजोल्यूशन ओपन हो जाएगा डायरेक्टली, यहाँ से आपका ओपन कर सकते हो। वापस इस स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं CLS कमांड से हम लोग। स्नैपिंग टूल अगर आपको ओपन करनी है तो सेम आप स्टार्ट लिखेंगे और उसके बाद में आप लिख देंगे स्नैपिंग टूल। टूल और एंटर प्रेस कर देंगे तो आपका जो स्नैपिंग टूल होगा वो ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ओपन हो गया आपका स्नैपिंग टूल। आप अपने सिस्टम की प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ से कमांड यूज कीजिए, स्टार्ट लिखिए, इसके बाद में आप लिखेंगे सिस्टम की प्रॉपर्टी जानी है तो आप सिस्टम नहीं लिखेंगे, sysdm.cpl और एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है यहाँ पे आप यस कीजिएगा तो आपकी सिस्टम की प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है सिस्टम प्रॉपर्टी, इस तरह से आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है इसमें कंप्यूटर नेम वगैरह आप जान सकते हैं। सिस्टम प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको प्रॉब्लम स्टेप रिकॉर्डर अगर यहाँ पे ऑन करना है, जो एक फीचर होता है पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था आपको, ठीक है अगर उसको आपको ऑन करना है ठीक है तो आपको लिखना होगा स्टार्ट PSR एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे स्टेप रिकॉर्डर ऑन हो गया आपका, प्रॉब्लम जो रिकॉर्डर है वो। फिर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे स्टार्ट लिखोगे उसके बाद में OSK और एंटर प्रेस कर दोगे, यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको नोटपैड ओपन करना हो तो यहाँ पे लिखेंगे आप नोटपैड, एंटर प्रेस कीजिएगा आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। ओके नेटवर्क कनेक्शंस के बारे में आप जानना चाहते हैं, CLS कर देते हैं अपन इसको। नेटवर्क कनेक्शंस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो स्टार्ट लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है स्टार्ट लिखने के बाद में NCPA.CPL
एल और एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए आपका नेटवर्क ओपन हो गया, यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट हो रखा है, इथरनेट का आपका इशू कर रहा है। इस तरह आप नेटवर्क के बारे में जान सकते हैं। और अगर एमएस पेंट ओपन करना है आपको तो स्टार्ट एमएस पेंट यहाँ लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मैंने आपको बता दिया, और माउस कंट्रोल अगर आपको यूज करना है तो स्टार्ट लिखेंगे, ठीक है। स्टार्ट लिखने के बाद में लिखेंगे एम ए आई एन मैन डॉट सी पी एल, मैन डॉट सी पी एल। देखिए माउस की प्रॉपर्टी यहाँ से ओपन होगी, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं माउस को, क्लियर। नेट इंटरनेट का ऑप्शन अगर आप को चाहिए तो इसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। जैसे इंटरनेट का अगर ऑप्शन चाहिए आपको तो INET आएगा, ठीक है। CPL.CPL स्टार्ट INET CPL.CPL एंटर प्रेस करेंगे, देखिए इंटरनेट की प्रॉपर्टी आपकी ओपन हो जाएगी, क्लियर। उसके बाद में अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करना है आपको, जो वेब ब्राउजर है आपका, वो अगर आपको ओपन करना है तो स्टार्ट लिखेंगे, उसके बाद में आप लिखेंगे EXPLORE और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपका इंटरनेट ब्राउजर ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया जैसा। इसी तरह आपको अगर गूगल क्रोम ओपन करना है तो यहाँ पे आप एक्सप्लोरर की बजाय क्रोम लिखें, ठीक है, क्रोम एंटर कर दीजिएगा तो इससे गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। और इसी तरह अगर फायरफॉक्स ओपन करना चाहते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, तो ओनली आपको यहाँ पे लिखना होगा स्टार्ट के बाद में फायरफॉक्स, ओके, और एंटर प्रेस करेंगे तो आपका मोजिला फायरफॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आपको फॉन्ट व्यू देखना है तो स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद लिखिए फॉन्ट व्यू, ओके, और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। ये फाइल ओपन नहीं हो रही इसकी, फॉन्ट व्यूअर की, हो सकता है ये फाइल क्राफ्ट है इसकी वजह से ये ओपन नहीं हो पा रही आपकी, ओके। एक बार इसको अपन क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, ओके। क्लियर स्क्रीन करने के बाद में वापस नई कमांड, फायरफॉक्स का मैंने आपको बता दिया, तीनों ब्राउजर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। डिस्क मैनेजमेंट के बारे में अगर आपको जानना हो, ठीक है, स्टार्ट कि आपकी हार्ड डिस्क कितनी है ये चेक करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे DISKMGMT.MSC, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देंगे, यहाँ पे यस कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपका डिस्क मैनेजमेंट ओपन हो गया है, यहाँ पे आपका लोडिंग पार्टीशन, थोड़ी देर में पार्टीशन आपके लोड हो जाएंगे और आपकी पार्टीशन की इन्फॉर्मेशन बता देगा। देखिए यहाँ पे सारे पार्टीशन की इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है आपको ये डिस्क में। इसके बाद में डिफ्रैगमेंट, डिस्क डिफ्रैगमेंट कैसे करते हैं,
अगर ओपन करना है डिस्क डी फ्रेगमेंट को तो आप यहाँ लिखेंगे डी एफ, स्टार्ट पहले लगाएंगे उसके बाद में लिखेंगे डी एफ आर जी यू आई, ठीक है, डी फ्रेग, और एंटर प्रेस कर देंगे, डी फ्रेगमेंट ओपन हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ से आप डिस्क को डी फ्रेगमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट डिस्क क्लीनअप, अगर आपको डिस्क क्लीनअप करना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा क्लीन सी एल ई ए एन क्लीन एम जी आर और एंटर प्रेस कर देंगे, जिससे आपका यहाँ पे देखिए डिस्क क्लीनअप के लिए आ गया ऑप्शन। आप यो ओके करेंगे तो आपके जो भी टेम्परेली फाइल्स होंगे उनको ये डिलीट करते जाएगा, जो इसको अनवांटेड लगेंगे खुद को उनको डिलीट कर देगा, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको डिवाइस मैनेजर ओपन करना है, जहाँ से आपको देखना है कि कौन कौन से ड्राइवर डले हुए हैं कौन से नहीं डले हुए हैं, तो आप उसके लिए स्टार्ट लिखेंगे, उसके बाद में एच डी डब्लू डब्लू आई जेड डॉट सी पी एल और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे यस आएगा और आपका डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे आपका डिवाइस मैनेजर ओपन हो गया, इसमें सारे ड्राइवर्स किस किस का ड्राइवर डला हुआ है किसका नहीं डला हुआ, साउंड ऑडियो वगैरह सारे आपको यहाँ शो कर देगा, कितनी हार्ड डिस्क आपके सिस्टम में लगी हुई है ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देगा, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं डेट एंड टाइम की, कि आपको अगर डेट एंड टाइम देखना हो तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे स्टार्ट पहले उसके बाद में टाइम डेट टाइम डेट डालेंगे डॉट सी पी एल और एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए डेट एंड टाइम का आपका ओपन हो गया, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जो भी डेट एंड टाइम चाहें। कंट्रोल पैनल के लिए स्टार्ट और यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल और एंटर प्रेस कर देंगे, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर मैनेजमेंट की, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा सी ओ एम पी एम जी एम टी डॉट एम एस सी और एंटर प्रेस कर देंगे, यस क्लिक कीजिएगा, देखिए कंप्यूटर मैनेजमेंट का आपका ओपन हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ से आपका डिस्क मैनेजमेंट में मिल जाएगा, डिवाइस मैनेजर भी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगर कैरेक्टर मैप आपको देखना हो तो यहाँ पे लिखेंगे आप सी एच ए आर एम ए पी और एंटर प्रेस कर देंगे, देखिए यहाँ पे आपका कैरेक्टर मैप ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ से आप कोई भी कैरेक्टर चूज़ कर सकते हैं जो आपको नहीं मिला हो, ओके। इसके बाद में अगर कैलकुलेटर ओपन करना चाहते हैं तो स्टार्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप सी ए एल सी, ठीक है, और उसके बाद में आप एंटर प्रेस कर देंगे, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। क्लियर। अब आपको जो पिक्चर फोल्डर है वो ओपन करना होता है, जो माई डॉक्यूमेंट में होता है आपका डॉक्यूमेंट में या माई डॉक्यूमेंट में जो होता है पिक्चर फोल्डर, उसको ओपन करना है तो आप स्टार्ट लिखेंगे, उसके बाद में आप लिखेंगे पी आई सी टी यू आर ई एस पिक्चर्स, ठीक है, और उसके बाद में आप इसे एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए आपका पिक्चर का फोल्डर ओपन हो गया, माई डॉक्यूमेंट्स में जो आपका था पिक्चर फोल्डर ओपन हो गया। म्यूजिक का करना हो, डाउनलोड किसी का भी करना हो, स्टार्ट के आगे आप लिखते जाएं तो आपके सारे के सारे फोल्डर ओपन हो जाएंगे, ओके। इसके बाद में अगर फोटोशॉप आपको ओपन करना है यहाँ से, तो स्टार्ट
पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में आप लिख देंगे यहाँ पे फोटोशॉप, फोटोशॉप। बट कंडीशन ये है कि वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए पहले से, अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो उसको ओपन नहीं करेगा वो, राइट। तो फोटोशॉप यहाँ पे एंटर कर देंगे तो आपका फोटोशॉप ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे ये फोटोशॉप पे आपका ओपन हो गया, उसके बाद में हम बात करते हैं अगर आपको कंप्यूटर को लॉग ऑफ करना है तो आप लॉग ऑफ भी कर सकते हैं कंप्यूटर को। उसके लिए आपको स्टार्ट, स्टार्ट के बाद में आपको लिखना पड़ेगा लॉग ऑफ और एंटर प्रेस करना पड़ेगा। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आप इस अकाउंट से लॉग आउट हो जाएंगे, लेकिन मैं एंटर प्रेस नहीं करूँगा क्योंकि इससे मेरा सिस्टम भी लॉग ऑफ हो जाएगा, सब जो अकाउंट है लॉग ऑफ हो जाएगा। ओके, आप लोग ट्राई कर सकते हैं लॉग ऑफ के लिए। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं अगर आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करना हो, ठीक है। तो सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए स्टार्ट लिखेंगे, स्टार्ट लिखने के बाद में आप शट डाउन, ठीक है, शट डाउन स्पेस देंगे और डैश लगा के आर लगा देंगे, ओके। और जैसे ही आप एंटर करेंगे, एंटर करते ही आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट, अगर आपके सिस्टम को शट डाउन करना है तो उसके लिए आप पहले स्टार्ट लिखेंगे, स्टार्ट लिख के शट डाउन लिखेंगे, शट डाउन लिख के आप एंटर कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है मैंने, इसको एंटर करना है, एंटर करते आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, ओके। शट डाउन का भी मैंने बता दिया आपको। इसी तरह अगर पावर पॉइंट ओपन करना है आपको तो पावर PNT यहाँ पे लिखेंगे .exe और एंटर प्रेस कर देंगे तो आपका पावर पॉइंट भी ओपन हो जाएगा। ओके, जैसे ये ओपन हो चुका है आपका प्रोग्राम एंड फीचर्स अगर आपको ओपन करने हैं, ठीक है, जहाँ से आपको पता चले कि आपके सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, तो उसके लिए आपको स्टार्ट लिखना पड़ेगा सबसे पहले। एक बार मैं इस स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। स्टार्ट लिखेंगे सबसे पहले आप, प्रोग्राम एंड फीचर्स के बारे में आपको जानना है तो स्टार्ट लिखने के बाद में AWIZ.cpl और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे प्रोग्राम्स एंड फीचर्स आपके पूरे सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं सारे के सारे की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो रही है, ओके, ये ओपन हो जाएगा आपका। अगर आप नेटवर्किंग यूज करते हैं, किसी दूसरे सिस्टम का डेस्कटॉप अपने सिस्टम पर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए होता है रिमोट, ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। अगर वो आपको करना है तो आप स्टार्ट लिखेंगे, उसके बाद में आप लिखेंगे MSTSC और एंटर प्रेस कर देंगे, रिमोट डेस्कटॉप के लिए आपका ऑप्शंस प्रोवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप IP डालिए उस सिस्टम का अगर नेटवर्क में जुड़ा है तो, और कनेक्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, सेम सर्वर हुआ सेम नेटवर्क हुआ तो वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे एक्सेप्ट करते ही, ठीक है। एस ऑफ एक्सेस अगर आपको ओपन करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एस ऑफ एक्सेस को ओपन करने के लिए थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा, थोड़ा कीबोर्ड में प्रॉब्लम होने की वजह से टाइप नहीं हो रहा। ओके, हाँ हो गया, मैं बताता हूँ इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एस और मैंने क्या बताया था लास्ट, आपको बताया था साउंड,
प्रोग्राम्स एंड फीचर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। प्रोग्राम्स एंड फीचर्स के बाद की बात का हम लोग करते हैं, तो मैंने बताया था आपको एस ऑफ एक्सेस, ठीक है, एस ऑफ एक्सेस सेंटर जो आपका होता है उसको ओपन कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा स्टार्ट और उसके बाद में आप UTILMAN, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देंगे तो आपका देखिए ओपन हो गया एस ऑफ एक्सेस सेंटर, राइट। आप इसे यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। अगर इवेंट व्यूअर आपको देखना है तो इवेंट व्यूअर भी आप यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिएगा, फिर इसके बाद में आप लिखिए इवेंट लिखेंगे, उसके बाद में VWR लिख के .msc और एंटर प्रेस कर देंगे और यस करेंगे। जैसे ही आप यस करेंगे आपका इवेंट व्यूअर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप सारे देख सकते हैं कि लास्ट टाइम लॉगिन कब किया था और लास्ट टाइम कौन से यूजर ने लॉगिन किया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर प्रोवाइड होती है, ठीक है। लगभग मैंने बहुत सी आपको कमांड्स बता दी हैं और बाकी की जो कुछ कमांड्स रह गई हैं वैसे मैं इसके जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये सारी आपको डाल दूंगा कमांड जितनी भी हैं, ठीक है। आप वहां से देख के भी इन कमांड्स को कर सकते हैं अगर आपको याद ना रहे तो, ठीक है। कुछ नॉर्मल कमांड्स मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यूज होता है कंप्यूटर MS वर्ड का। जैसे मुझे कोई अगर फाइल बनानी हो, ठीक है, या मुझे देखना हो कोई डायरेक्टरी को, तो यहाँ पे डायरेक्टरी देखने के लिए DIR, ठीक है, ओपन करते हैं तो DIR से अपने को यहाँ पे शो हो जाता है जितनी भी डायरेक्टरीज हमारे सिस्टम में बनी होंगी। ओके, इसका साइज काफ़ी बड़ा है इस वजह से शो नहीं होगा। इसका फॉन्ट साइज मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 40 के आसपास कर लेता हूँ। ओके, फॉन्ट साइज 40 हो जाएगा तो आपको इजी में दिख जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे मुझे डेस्कटॉप पे जाना है, तो यहाँ पे डेस्कटॉप आ रहा है, राइट। डेस्कटॉप पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे CD कमांड यूज करना पड़ेगा, उसके बाद में आप यहाँ पे लिखिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे केस सेंसिटिव होता है तो आप जो भी है कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे जैसे डेस्कटॉप लिख रखा है सेम वैसा ही लिखें, ठीक है, डेस्कटॉप, और एंटर प्रेस करें। अभी मैं क्या हूँ, डेस्कटॉप पे यहाँ पे हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे जैसे कोई फोल्डर बनाना है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, फोल्डर बनाने के लिए कमांड है आपकी MD स्पेस देंगे और रिंकू नाम का एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ मैं, ठीक है, और एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए ये फोल्डर आपका बन गया होगा, जैसे आप नीचे क्लिक कीजिएगा देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपका एक रिंकू नाम का फोल्डर बन गया। ओके, अब इस फोल्डर के अंदर मुझे एक फाइल बनानी है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, CD स्पेस यहाँ पे फोल्डर को ओपन करूँगा। सबसे पहले फोल्डर को ओपन, CD स्पेस रिंकू, यानी एंटर। अब ये मेरा फोल्डर यहाँ ओपन है। विंडोज़ में फोल्डर ओपन करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ता है। अभी इसमें कोई फाइल नहीं है तो अभी हम देखते हैं इसको बनाते हैं फाइल्स। फाइल बनाने के लिए कमांड है आपकी कॉपी स्पेस कॉन, ठीक है। जो भी फाइल आप बनाना चाहते हैं वो नेम आप डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने rk.txt फाइल नाम की एक फाइल बनाई, ठीक है, यहाँ पे आप फाइल में कुछ भी टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। फिर इस फाइल को आपको सेव करने के लिए या तो कीबोर्ड से F6 की दबा दीजिए तो ये सेव हो जाएगा, या फिर कंट्रोल और जेड की दबा दीजिएगा, देखिए, और फिर से एंटर प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए वन फाइल सेव, यानी यहाँ पे एक फाइल आपकी सेव हो गई है। अब जैसे आप देखेंगे डेस्कटॉप पे, देखिए यहाँ पे आपकी फाइल बन गई है और इस फाइल में सेम मैटर वही है। अब मान लो यहाँ से मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। ओके, अब उस फाइल का मुझे मैटर देखना है कि उस फाइल में क्या लिखा हुआ है,
ठीक है, वहां पे तो क्या करते थे, ओपन करने के लिए इस पर डबल क्लिक करके इस तरह से देखते थे अपन। अब कमांड प्रॉम्प्ट में क्या होता है, यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा आपको कमांड टाइप, ठीक है, टाइप करके स्पेस देंगे, उसके बाद में उस फाइल का नेम जिसका आप टेक्स्ट या कंटेंट देखना चाहते हैं एंटर करिए। देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा है इस फाइल में क्या लिखा हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ शो कर रहा है। अगर इस फाइल में आप एडिटिंग करना चाहते हैं दोबारा से, तो एडिट कमांड लगा के फाइल नेम दे दीजिएगा, आप दोबारा चेंज भी कर सकते हैं, इसमें एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन एडिट इस पर अभी वर्क नहीं करेगा, इंटरनल कम एक्सटर्नल कमांड हो जाएगी आपकी एडिट। इसके बाद में अब जो मैंने फाइल बनाई है उस फाइल को मुझे डिलीट करना है, ठीक है। जैसे इफ आर के नाम की एक फाइल बनाई है मैंने, यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको आर के नाम की फाइल, ठीक है, और यहाँ से अगर मुझे देखना है कि इस फोल्डर के अंदर, रिंकू फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल बनी हुई है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डी आई आर करना पड़ेगा। डी आई आर जैसे मैं करूँगा, यहाँ पे देखिए दिखा देगा आपको आर के डॉट टैक्स नाम की एक फाइल इसमें बनी हुई है, राइट। अब इसको मुझे रिमूव करने के लिए, फाइल को रिमूव करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा मुझे, डेल, DEL, या डिलीट पूरा लिख दीजिए एज योर चॉइस, ठीक है, डेल, उसके बाद में उस फाइल का नेम, और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे मैं यहाँ से एंटर प्रेस करूँगा, देखिए यहाँ से फाइल रिमूव हो गई, यहाँ पे आप शो नहीं कर रहा ना, अब उस फोल्डर में भी देखिए फाइल आपको नहीं मिलेगी। इस तरह आप इस फाइल को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा, अगर इस फोल्डर को ही रिमूव करना हो तो क्या करना होगा, तो CD बैक जाना होगा। पहले तो यहाँ से बैक चले गए अपन, यहाँ से बैक जाने के लिए क्या का ऑप्शन, बैक ऑप्शन का यूज करना पड़ता है अपने को, फोल्डर से बैक जाने के लिए बैक ऑप्शन का यूज करना पड़ता है, यहाँ पे CD डॉट डॉट कमांड का यूज करना पड़ता है। अब उस फोल्डर को अपन डिलीट करना चाहते हैं, जैसे देखिए अभी ये फोल्डर बना हुआ है, इसको मुझे डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए यहाँ पे कमांड लगाएंगे अपन RD स्पेस, जो भी फोल्डर नेम है या डायरेक्टरी का आपका नेम है वो लिख दीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा। देखिए रिमूव डायरेक्टरी, यहाँ पे देखिए आपका फोल्डर रिमूव हो गया। इस तरह से आप इसको फोल्डर को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद में अगर किसी फाइल को आपको रीनेम करना है, तो रीनेम कैसे करोगे फाइल को, जैसे पहले तो कोई फाइल बनानी पड़ेगी अपने को, कॉपी स्पेस कॉन एस के नाम से एक फाइल बना ली अपन ने, ठीक है, ऐसे इम्प्टी सेव कर देते हैं हम लोग, ओके। अब इस फाइल का नेम हमें चेंज करना है, ठीक है, ये डेस्कटॉप पे बन भी गई है, देखिए एस के, इसको नाम चेंज करना है, तो इसके लिए आपको कमांड REN या पूरा लिख दीजिएगा रीनेम, ठीक है। पहले जो फाइल्स का नेम था वो लिखिए एस के, अब चेंज क्या करना है इसको जो भी करना है MK, और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। अब देखिए आपकी फाइल का नेम चेंज हो गया होगा, यहाँ पे MK हो गया। इस तरह से आप फाइल का नेम भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन यहाँ से देखनी है, तो आप सिस्टम की इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा SYSTEM सिस्टम इन्फो, ओके, सिस्टम इन्फो, और एंटर प्रेस करेंगे, लोडिंग हो रही है आपकी इंफॉर्मेशन सारी, पूरी कंप्लीटली आपकी सिस्टम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा इसमें। देखिए पूरे सिस्टम्स की आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे, नेटवर्क कार्ड कौन सा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कौन कौन सी फाइल्स हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको डेट देखनी हो यहाँ से, तो डेट कमांड टाइप कीजिए और एंटर कर दीजिए, आज की जो भी डेट होगी वो यहाँ पे शो कर देगा। आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो न्यू डेट पे एंटर कर दीजिएगा, MMDDYY फॉर्मेट में आप डेट एंटर करिए और एंटर कर दीजिए, आपकी डेट चेंज हो जाएगी। यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। अब अगर कोई फाइल आपको कॉपी करनी है किसी फोल्डर या किसी ड्राइव में, तो जैसे मान लो कि एक मैं MD से RK नाम का एक फोल्डर बना देता हूँ डेस्कटॉप पे, ओके, जैसे देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बन गया RK और MK फाइल है। अब ये MK फाइल में RK फोल्डर के अंदर कॉपी करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉपी कमांड चलानी पड़ेगी, कॉपी, ठीक है। फाइल का नेम क्या था, MK, कहाँ कॉपी करनी है, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों देने होते हैं, तो सोर्स क्या है आपका, MK फाइल को करना है, कहाँ पे करना है, RK फोल्डर में, तो डेस्टिनेशन आपकी क्या है, RK, तो
यहाँ पे आर के प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए वन फाइल इज कॉपी, अब आप देखेंगे तो इस फोल्डर के अंदर आपकी फाइल कॉपी होके आ गई। ठीक है, अगर आप इसे अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब देखिए अगर इसे कट करना है, कट तो मूव कमांड यूज करेंगे, मूव सेम वही फाइल का नेम और डेस्टिनेशन कहाँ मूव करनी है, मूव हो जाएगा वन फाइल ये मूव, देखिए यहाँ से हट गई और इस फोल्डर के अंदर आपकी फाइल आ गई होगी। मूव इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। आपकी डिस्क को चेक करना हो तो डिस्क चेक करने के लिए बहुत काम की कमांड है, ये बहुत बार काम आती है, CHKDSK। ठीक है, और एंटर प्रेस करें। ठीक है, अभी डिनाई हो रखा है क्योंकि एडमिन से लॉगिन नहीं है हम लोग, इस वजह से डिनाई बता रहा है। हम एडमिन से अगर लॉगिन होंगे तो ये इजी वे में एक्सेस कर देगा। जैसे एडमिन से अपन लॉगिन हो रखे हैं, CHKDSK एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे टाइप होने लग गया। यहाँ देखेंगे आपका इजी वे में हो रहा है आपका एक्सेस, वहाँ आपका नहीं हो रहा था बट यहाँ पे आपका हो जाएगा क्योंकि लोकल यूजर से लॉगिन थे यहाँ पे, इस वजह से। ये सारी कमांड्स मैंने आपको बता दी हैं, और भी अगर आप कमांड जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, जो भी कमांड आपको जाननी है मैं उसके बारे में बता दूंगा आपको। और इस वीडियो में तो इतनी मैं आपको बता देता हूँ, और कैसा आपको लगा ये वीडियो और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही इम्प्रेसिव है, हर किसी को आज के टाइम में MS Word नहीं आता, ये कमांड पे कोई भी काम नहीं कर सकता। 90% लोग इन कमांड्स पे काम नहीं कर सकते आज भी, वो माउस की क्लिक से ही काम कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।